मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से, हमारा YouTube का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन आपके सामने है। उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। नव वर्ष 2024 की आपको फिर एक बार बधाई देते हुए आज हम बात करेंगे आपसे कि आप नव वर्ष में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त करें और हर प्रकार के रोग से परेशानी से आप मुक्त रहें। ये वर्ष आपके लिए सुख संपदा देने वाला हो, ऐसी हम परमात्मा से कामना करते हैं। आज की बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में मंगल पीछे 16 जनवरी को उदय हुए हैं। उस उदय होने का मीन राशि वालों को क्या क्या फल मिलेगा, वो फल कैसा रहेगा, उसी के बारे में आपसे बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और नवें भाव का स्वामी है और इस दौरान आपके दसवें घर में उदित होने जा रहा है। मंगल का धनु राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप आप सामान्य सिद्धांतों को अपनाते और इसे अधिक प्रतिबद्ध करने के साथ अपने जो एक जीवन की डगर होती है उस पर आप आगे बढ़ते हमें नजर आए। इसके चलते ही आपके कैरियर में, आपके जीवन में बहुत ही अच्छे और सुनहरे मौके मंगल के द्वारा आपको प्राप्त होंगे। आप ज़्यादा विकास कर पाएंगे और विकास करने का आपके ऊपर एक अच्छा जैसे जुनून होता है, वो जुनून भी चढ़ा रहेगा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, और आप उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपको इससे लाभ भी हो। मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ भाग्य आपका पूर्ण रूपेण आपके साथ होगा, भाग्य आपका साथ देगा। आप औसत से ज़्यादा आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मंगल दशम भाव में बहुत अच्छा माना जाता है गोचर के समय, क्योंकि दशम भाव कालचक्र कुंडली में या मंगल उच्च के बनते हैं, मकर राशि बनती है, तो उस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो मंगल दशम भाव का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेके आने वाला है। व्यापार में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। आप अगर कहीं प्रॉपर्टी में, किसी मकान में, किसी वाहन में, किसी बिल्डिंग में या किसी रियल इस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, आपके लिए ये समय बहुत उत्तम रहने वाला। माता के प्रति आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, हो सकता है कि माता का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब रहे, उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पिता से आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि नवम भाव यहाँ पिता का भाव देखा जाता है, तो वहाँ अगर मंगल देवता यहाँ बैठे हैं तो पिता से आपको पूरी पूरी सपोर्ट मिलेगी। जो जातक व्यापार करते हैं, व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए, व्यापार उनका रियल इस्टेट का हो, मकान बनाने का हो, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का हो, या कहीं ज़मीन खरीदना बेचना इस तरह का कोई उनका अगर व्यापार है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका होटल संबंधित कोई कारोबार है, ईंट भट्टे का काम करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप डॉक्टरी लाइन में हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा व्यापार है। इस समय इसके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप अपने व्यापार को अच्छा बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और उसको ग्रोथ आपको मंगल के द्वारा अवश्य प्राप्त। अगर आप नौकरी पेशा आदमी हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब वालों के लिए ऊपर थोड़ा, क्योंकि मंगल दशम भाव में गोचर कर रहा है, तो थोड़ा काम का प्रेशर आपके ऊपर जरूर होगा, वर्कलोड कहेंगे, जिस जहां आप काम करते हैं उस स्थान में आपको थोड़ा वर्कलोड प्राप्त होगा, और वर्कलोड की वजह से थोड़ा हो सकता है कि आप अपसेट रहें, आपके जो सहयोगी हैं, साथ काम करने वाले हैं, बॉस वगैरह हैं, उनके साथ आपका थोड़ा सा कुछ वैचारिक मतभेद रह सकता है। लेकिन जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ आपको एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, पदोन्नति होगी आपकी, और आपको मान सम्मान यश मंगल के द्वारा सारे। अगर आप शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो समय है आपका मंगल का जो गोचर है ये आपका दशम भाव में, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर आती है, तो शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कम पैसे में ज़्यादा एक अच्छे मार्जिन का आपको बिजनेस यहाँ प्राप्त हो सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा आपका एक संबंध रहेगा और किसी प्रकार की आपको यहाँ पति पत्नी के बीच में कमी नज़र नहीं आएगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते में अच्छा तालमेल इस दौरान आपको देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने रिश्ते को और ज़्यादा मधुर, खुशहाल और प्रेम वाला बना सकते हैं। आप इस दौरान प्रेम में डूबे हुए और इस तरह से नज़र आने वाले हैं जैसे आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। पत्नी पत्नी का जो आपसी रिश्ता है, संबंध है, इसमें बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। अगर आपसे स्वास्थ्य संबंधी बात करते हैं तो आपकी आंखों में थोड़ी जलन रह सकती है,
आपके जो दांत हैं उस दांतों में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो दूसरा भाव मुंह का, दांत का इसका होता है, तो थोड़े दांतों में परेशानी आपके लिए हो सकती है। आपका अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर आपको थोड़ी अच्छी है तो शायद आपको ये दिक्कत महसूस ना हो, अगर आपकी वो क्षमता थोड़ी कम होगी तो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़े। तो मित्रों, ये था मीन राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है, जो धनु राशि में होने जा रहा है, कि कैसा रहेगा आपके लिए। तो आप निश्चिंत रहें कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल स्वयं आपके दशम भाव में बैठे हैं भाग्य के स्वामी बनके, तो आपको हर प्रकार का आर्थिक लाभ देने के लिए यहाँ बिल्कुल वचनबद्ध है मंगल आपके लिए, अच्छा ही रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो मित्रों, इसके साथ ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा।